कहते हैं कि मुहब्बत रब की बख्शिश होंगी है, पर की कोई इंसान प्यार दे विच इन्ना बेरहम हो सकता है कि अपनी ही प्रेमिका नूं मौत दे घाट उतार देवे। अजिहा राजधानी दिल्ली दे विच वापरिया ते दिल कंबाऊ है। जिस तरह दे नाल कतल किया गया, जिस तरह दे नाल लाश नूं ठिकाने लगाया गया, सब सुन तो हाडे भी होश फाकता हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड च दोस्ती ते दिल्ली च कतल। मुलजम ने लाश ठिकाने लगाने लई खरीदी नवी कार। यह वारदात वापरी है दिल्ली के तिलक नगर के विच, जिथे स्विट्जरलैंड तो आई औरत की लाश एक स्कूल के बाहर मिली है। पुलिस मुताबक इस महिला नूं इसे दे ही कथित प्रेमी दे वल्लों मार मुकाया गया। पुलिस ने भी दस्सिया कि 30 साल की नीना के पैर ते हथ चेन नाल बन्ने हुए सी। चेन नूं इक ताला भी लग्या होया सी। नीना के मुँह पर काले रंग का लिफाफा पाया होया सी। पुलिस मुताबक गुरप्रीत नूं शक सी कि नीना दा किते होर अफेयर है। 11 अक्टूबर नूं नीना गुरप्रीत दे कहण ते इंडिया पहुंची। पुलिस नूं सीसीटीवी विच टाटा नैनो कार विखाई दित्ती, जिस तों बाद उस दे सही मालक कोल पहुंची। जांच विच पता चलिया कि उस कार नूं गुरप्रीत ने 1 महीना पहलां खरीदिया सी। पुलिस जांच दे विच इह वी सामने आया कि गुरप्रीत कोई काम कार भी नहीं करता। गुरप्रीत दी नीना दे नाल मुलाकात स्विट्जरलैंड विच होई सी। दिल्ली पुलिस दे मुताबक नीना बर्गर नाम दी स्विस औरत दी हत्या करके लाश कार दे विच रखे स्कूल दे बाहर सुट के मुलजम गुरप्रीत सिंह ते उसके साथी फरार हो गए सी। पुलिस ने मुलजम दी कार जब्त कर ली है, जिस दे विच करीब 2.5 करोड़ रुपया कैश भी मिले है। पुलिस ने मुलजम गुरप्रीत नूं गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकियां दी तलाश जारी है। हुणे मुलजम सलाखां दे पिछे है। वेखना होवेगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, पर सवाल यह भी है कि किस तरह का प्यार है जो किसी की जान नहीं लै लवे। शायद यह सनकी होगी जो किसी की जिंदगी खत्म करने तो भी गुरेज नहीं करती, क्योंकि कोई मरे कोई जीवे अजिही मानसिकता वाले लोगों को रता भी फर्क नहीं पैंदा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। कहते हैं कि मुहब्बत रब की बख्शिश होंगी है, पर की कोई इंसान प्यार दे विच इन्ना बेरहम हो सकता है कि अपनी ही प्रेमिका नूं मौत दे घाट उतार देवे। अजिहा राजधानी दिल्ली दे विच वापरिया ते दिल कंबाऊ है। जिस तरह दे नाल कतल किया गया, जिस तरह दे नाल लाश नूं ठिकाने लगाया गया, सब सुन तो हाडे भी होश फाकता हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड च दोस्ती ते दिल्ली च कतल। मुलजम ने लाश ठिकाने लगाने लई खरीदी नवी कार। यह वारदात वापरी है दिल्ली के तिलक नगर के विच, जिथे स्विट्जरलैंड तो आई औरत की लाश एक स्कूल के बाहर मिली है। पुलिस मुताबक इस महिला नूं इसे दे ही कथित प्रेमी दे वल्लों मार मुकाया गया। पुलिस ने भी दस्सिया कि 30 साल की नीना के पैर ते हथ चेन नाल बन्ने हुए सी। चेन नूं इक ताला भी लग्या होया सी। नीना के मुँह पर काले रंग का लिफाफा पाया होया सी। पुलिस मुताबक गुरप्रीत नूं शक सी कि नीना दा किते होर अफेयर है। 11 अक्टूबर नूं नीना गुरप्रीत दे कहण ते इंडिया पहुंची। पुलिस नूं सीसीटीवी विच टाटा नैनो कार विखाई दित्ती, जिस तों बाद उस दे सही मालक कोल पहुंची। जांच विच पता चलिया कि उस कार नूं गुरप्रीत ने 1 महीना पहलां खरीदिया सी। पुलिस जांच दे विच इह वी सामने आया कि गुरप्रीत कोई काम कार भी नहीं करता। गुरप्रीत दी नीना दे नाल मुलाकात स्विट्जरलैंड विच होई सी। दिल्ली पुलिस दे मुताबक नीना बर्गर नाम दी स्विस औरत दी हत्या करके लाश कार दे विच रखे स्कूल दे बाहर सुट के मुलजम गुरप्रीत सिंह ते उसके साथी फरार हो गए सी। पुलिस ने मुलजम दी कार जब्त कर ली है, जिस दे विच करीब 2.5 करोड़ रुपया कैश भी मिले है। पुलिस ने मुलजम गुरप्रीत नूं गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकियां दी तलाश जारी है। हुणे मुलजम सलाखां दे पिछे है। वेखना होवेगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, पर सवाल यह भी है कि किस तरह का प्यार है जो किसी की जान नहीं लै लवे। शायद यह सनकी होगी जो किसी की जिंदगी खत्म करने तो भी गुरेज नहीं करती, क्योंकि कोई मरे कोई जीवे अजिही मानसिकता वाले लोगों को रता भी फर्क नहीं पैंदा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।